दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट, गेहूं का भविष्य कैसा रहने वाला है। और तो गेहूं में दोस्तों तेजी आने की पूरी संभावना है और गेहूं का सीजन इस बार अब अच्छा रहने वाला है। इसके पूर्व हमने एक रिपोर्ट दी थी कि गेहूं में मद्दा रहेगा, नई फसल आने के पूर्व दी थी, सेम वैसा ही देखने को मिला था, बाजार मद्दा हुआ था, जितना हमने कहा था उससे कुछ ज़्यादा ही हुआ था। दोस्तों अब नया विश्लेषण है, गेहूं का भविष्य उज्ज्वल रहेगा, गेहूं में तेजी किन किन कारणों से रहेगी पूरी रिपोर्ट अपन इसमें देखते हैं। गेहूं का उत्पादन तो इस वर्ष बम्पर है, मगर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नुकसान हुआ है और जो गेहूं का उपयोग अन्य क्षेत्रों में जा रहा है, जिस वजह से गेहूं की मंडियों में आवक नहीं बन रही है और गेहूं की डिमांड अधिक हो रही है, गेहूं की खपत अधिक हो रही है, तो गेहूं में तेज़ी की पूरी संभावना दिख रही है, प्रबल संभावना, सरकार के द्वारा भी संभावना नज़र आ रही है, आयात शुल्क भी बढ़ाया है। पूरी रिपोर्ट इसमें देखिए दोस्तों। तो दोस्तों गेहूं में तेज़ी की संभावना, पूरी तेज़ी की संभावना, गेहूं का भविष्य आने वाले दिनों में उज्ज्वल होने वाला है। इस वर्ष उत्पादन 1,000 लाख टन रहने का अनुमान है, जो गत वर्ष से तो ज़्यादा है, मगर फिर भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। तो उत्पादन बम्पर है, मगर वर्तमान में मौसम में आए परिवर्तन से आंधी तूफान और वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और उनकी क्वालिटी गेहूं की हल्की हुई है। तो सरकारी खरीदी की बात करें वो भी काफ़ी धीमी चल रही है, जो लक्ष्य तक पहुंचती हुई मुश्किल दिख रही है। सरकार का लक्ष्य 357 लाख टन गेहूं खरीदी का है और वर्तमान में हाल फिलहाल तक 260 लाख टन से कुछ ऊपर खरीदी हो पाई है और आवक लगातार मंडियों में बहुत कम आ रही है, नहीं के बराबर आवक आ रही है, और जिस वजह से सरकारी लक्ष्य भी पूरा होता हुआ कम दिख रहा है। और तेजी का एक और कारण की बात करें दोस्तों, मोटे अनाज महंगे होने से पोल्ट्री फार्म और कैटल फीड में गेहूं का उपयोग अधिक हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर यह है, और गेहूं की खपत बढ़ रही है, औसत खपत जो रहती है उससे ज़्यादा हो रही है, लगभग 7.5 से 8 लाख टन अभी तक वर्तमान में पोल्ट्री उद्योग में गेहूं जा चुका है और आने वाले दिनों में और जाएगा। तो लगभग 7.5 से 8 लाख टन गेहूँ पोल्ट्री फार्म में अभी तक जा चुका है पोल्ट्री फार्म उद्योग के लिए, और पुराना स्टॉक गेहूं का कम बचा है। देश की सभी मंडियों में आवके कम बन रही है, पुराना स्टॉक कम मात्रा में है। 8 लाख टन के आसपास उड़ीसा में आए तूफान से गेहूं लगभग ख़राब हो चुका है गेहूं उड़ीसा में, तो कुल मिलाकर 25 लाख टन के आसपास फसल हाल फिलहाल तक समाप्त हो चुकी है गेहूं की या आ चुकी है। और एक और अन्य कारण गेहूं की बात करें तेज़ी का, तो दक्षिण भारत की मांग आने वाली है, दक्षिण भारत की मांग भी लगातार बन रही है क्योंकि भारत सरकार ने आयात शुल्क 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गेहूं पर, जो विदेशों से माल आता है 10% आयात शुल्क बढ़ा दिया है, और इस 10% के कारण साउथ की मिलें जो है वो विदेशों से माल मंगाने की जगह उत्तर भारत से मध्य भारत से गेहूँ लेना उचित समझेगी, क्योंकि गेहूँ की पड़ताल उनको आयात के मुकाबले भारत में ही सस्ती पड़ रही है। और इसी का एक और तेज़ी का फैक्टर है दोस्तों, मक्की बाजरा ज्वार खल बिनोना खल के भाव काफ़ी ऊंचे हैं और जिस वजह से गेहूं का उपयोग कैटल फीड में होने लगा है, पशु आहार के रूप में गेहूं का उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से गेहूं की खपत बढ़ रही है और गेहूं के बाजार तेज़ी की ओर बढ़ रहे हैं, जो तेज़ी का सूचक है और लगातार बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बाजार अच्छे रहेंगे। एक अन्य कारण की बात करें, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की क्वालिटी हल्की हुई है वर्षा पानी से और बेमौसम वर्षा से हुई, उससे बढ़िया माल आगे जाकर अच्छे बिकेंगे, मिल क्वालिटी भी अच्छी बिकेगी। सरकार ने उन एरियों में FCI जो खरीदी कर रही है वहाँ पे कुछ डील दे दी है, वो खरीदी तो होगी मगर बढ़िया माल की आवक कम रहने से मंडियों में बाजार तेज़ रहेंगे और आने वाले दिनों में मिल क्वालिटी दोस्तों भी आपको 2,000 रुपये बिक जाएगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस सीज़न में मिल क्वालिटी 2,000 जरूर बिकेगी, जो गत वर्ष बिकी थी उस अनुसार इस साल भी मिल क्वालिटी के बाजार 2,000 रुपये हो जाएंगे। हाल फिलहाल 1,800 रुपये तक के बाजार हैं और मान के चलिए मिल भी 2,000 रुपये बिकेगा और गेहूं में भविष्य उज्ज्वल नज़र आ रहा है हमें, तो आने वाला समय गेहूं के लिए तेज़ी का रहेगा। तो किसान भाइयों से निवेदन है, अपनी उपज को कम मात्रा में बेचें या आवश्यकता हो तो बेचें, आगे जाकर आपको गेहूं पे जरूर फायदा मिलने वाला है, जो सबसे हल्का मिल क्वालिटी गेहूं वो भी 2,000 का स्तर छू लेगा। और रही बात करें FCI की, जो FCI अभी माल खरीदेगी उस FCI उस माल को पुनः बेचेगी अगस्त महीने से टेंडर के द्वारा, तो वो टेंडर भी ऊँचे ही बिकेंगे ऐसी पूरी संभावना, और दीपावली तक काफ़ी अच्छे बाजार रह जाएंगे गेहूं के। गेहूं मैदा सूजी सभी में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि गेहूं तेज़ रहेगा तो मैदा सूजी भी तेज़ी की ओर रहेगी, तो आने वाला भविष्य गेहूं आटा मैदा सब में तेज़ी का दिख रहा है। तो गेहूं के तेज होने से गेहूं के बनने वाले सभी प्रोडक्ट आटा बेसन आटा और सूजी
सब तेज रहने वाली है। तो दोस्तों यह हमारा था गेहूं पे विश्लेषण। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पर रोजाना आपको नए नए अपडेट रोज मिलते रहते हैं। तो गेहूं का भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों FCI जो भी माल बेचेगा टेंडर के द्वारा अगस्त माह से सब ऊंचे बिकेंगे, सारे टेंडर ऊंचे जाएंगे और हर तीन महीने में वो पैसा बढ़ाता रहेगा FCI। तो आने वाला भविष्य गेहूं के लिए अच्छा है। तो मिल क्वालिटी भी 2000 बिकेगी तो गेहूं लगभग 2300-2400 रुपये का स्तर बढ़िया माल छू लेगा और गेहूं मिल क्वालिटी 2000 छू लेगा। हाल फिलहाल मिल 1800 और बढ़िया माल 2000-2100 है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दीपक इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।